तो क्या भाई, अब जैगो फैतु हमें देखने को मिलने वाले भाई, ब्लड लाइन के टीम लीडर या बोल सकते हैं भाई ट्राइबल चीफ। दोस्तों आज की वीडियो पे भाई इस बारे में बात करेंगे। टॉप रेसिंग चैनल में नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। दोस्तों भाई अभी हमें पता चला है कि जैगो फैतु आउटसाइड करने वाले भाई यहाँ पे सोलो सिकुआ को भाई, जो मतलब काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला मूवमेंट है। और ऐसा लग रहा है कि भाई जो जैगो फैतु है वो बनेंगे क्या ट्राइबल चीफ। इसका मतलब रिटर्न के बाद हमें ये लग रहा था कि भाई जैगो फैतु सोलो सिकुआ के साथ जाएंगे, लेकिन भाई अभी तो ये बात छाई हुई है कि जैगो फैतु भाई वो सोलो को ही रिप्लेस कर देंगे भाई। और मतलब अगर सोलो को रिप्लेस उन्होंने कर दिया तो रोमन रेंस को भी वैसे भी है नहीं, और भाई जो जैगो फैतु है वो बन जाएंगे ट्राइबल चीफ न्यू। लेकिन भाई मेरे को मतलब ऐसा इतना मूवमेंट यहाँ पे नहीं लग रहा, क्योंकि जैगो फैतु का भी नया रिटर्न होगा, और नया रिटर्न के बाद इन्हें भाई इतनी जल्दी जो है वो सोलो के साथ नहीं देंगे। कि मतलब ऐसा नहीं करा दे कि यार सोलो को मतलब हटा दे और जैगो फैतु को ब्लड लाइन का नया मेंबर बना दे और मतलब ब्लड लाइन का मेन लीडर बना दे, तो भाई ये इसमें सोलो को भी काफी अजीब लगेगा, और भाई ये सच में काफी बेकार मूवमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। रोमन रेंस के ना होने पर दोस्तों सोलो अभी ट्राइबल चीफ है, अगर जैगो फैतु का लग रहा है भाई इनका रिटर्न होगा। लेकिन भाई ये हो सकता है कि जैगो फैतु है वो रोमन रेंस की ब्लड लाइन में जाए रोमन रेंस के रिटर्न के बाद, लेकिन भाई रोमन रेंस के रिटर्न से पहले अगर जैगो फैतु आते तो भाई यहाँ पे वो सोलो के साथ ही होने वाले है एज अ टीम पार्टनर, बट नॉट अ लीडर ऑफ ब्लड लाइन। क्योंकि भाई जो रोमन रेंस है वो खुद क्या कहते हैं कि भाई जो सोलो है वो रहेंगे रोमन रेंस के बाद ट्रैवल चीफ, जब तक रोमन रेंस का रिटर्न नहीं हो जाता भाई सोलो यहाँ पे ट्रैवल चीफ रहने वाले हैं। लेकिन रोमन रेंस के रिटर्न के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई उसोस रोमन रेंस का दोबारा होने वाले, और अगर उसोस होगी तो हमारे को भाई ब्लड लाइन भी दोबारा से देखने को मिलेगी, और ब्लड लाइन का जो चैप्टर है भाई वो फिर से नया यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ब्लड लाइन का देखते हैं अब दोस्तों आगे यहाँ पे क्या होता है। लेकिन जैगो फैतु के रिटर्न के बाद वो भाई यहाँ पे लीडर नहीं बनने वाले। अगले बॉस की दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भाई शेन मैकमैन का, हमें जो है वो दिखा है फोटो इनकी नई पिक, और भाई काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं शेन मैकमैन, तो इनके लिए इतना ही अपडेट है। अगले बॉस की दोस्तों बात बात करते हैं तो भाई यहाँ पे हमारे जो रेसलर है जेम्स भाई, इनका जो है वो मतलब नाक जो है वो टूट गई है, और ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे इंजरी होने वाली है इनकी, जो दोस्तों काफी ज्यादा मतलब यार थोड़ा बुरा सा लग रहा है इनके लिए, तो देखते भाई ये सही हो जाएंगे वैसे जल्दी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो भाई यहाँ पे पॉल एमर मैच का 2K24 में भाई दिख रहा है, जिसमें भाई काफी ज्यादा अच्छा लग रहे हैं भाई हमें पॉल एमर। इनकी जो ECW की फोटो है वो भाई यहाँ पे लगा रखी है, और भाई ये काफी फैला हुआ है कि भाई जो पॉल एमर है वो 2K24 के मैच कार्ड में देखने को मिले, काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई पॉल एमर के लिए ये अपडेट हमें देखने को मिला। अगली पोस्ट की बात करते हैं भाई यहाँ पे जो बॉबी लेस्ली है भाई वो डिस्कस करते हैं और डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं भाई हमारे जो न्यूज स्मैकडाउन में अभी जुड़े हैं हम सभी बंदे जानते हैं क्रमेलो भाई, उनके डिसरिस्पेक्ट करते तो हो सकता है भाई आगे इनका मैच हो। अगली पोस्ट की दोस्तों बात करते हैं समोआ जो कि दोस्तों समोआ जो जो है वो एक नए वॉरियर पे जाने वाले, तो ऐसा लग रहा था कि भाई समोआ जो बॉक्सिंग लाइफ में अपने जाने वाले, लेकिन देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। वैसे समोआ जो इतनी जल्दी WWE में तो देखने को मिलने वाले नहीं है। अगले पोस्ट की दोस्तों बात करते तो भाई यूस काय का बर्थडे था, और हैप्पी बर्थडे डे भाई मेरी तरफ से भी यूस काय को, काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई यूस काय का बर्थडे था, और सारे ऐसे मतलब यार जैपनीज और सारे जैपनीज जितने भी थे ये मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे भाई हमारे यूस काय का बर्थडे, तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे यूस काय। अगले पोस्ट की दोस्तों बात करते हैं भाई यहाँ पे जो हमारे तीन रेसलर है सेट रॉलिंस ड्रू मैकइंटायर और फिन बैलर, ये भाई इनका बता रहे ये न्यू डील करिए, जो हमें पता था कि फिन बैलर ने अपना टाइम बढ़वा दिया और ड्रू मैकइंटायर ने रिसाइन और सेट रॉलिंस ने भी रिसाइन कराया, तो देखते देखते दोस्तों इनके भाई जो अब अगला इनका जो न्यू सील डील हुआ उसमें भाई क्या क्या यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की दोस्तों बात करते हैं भाई नेक्स्ट पोस्ट है हमारा भाई टामा टोंगा की तरफ से, और इनको भाई काफी ज्यादा ग्रेड्स मिले भाई बैकलैश 2024 के, क्योंकि भाई इनका फर्स्ट टाइम मैच था ब्लड लाइन को विंस कराई, साथ ही साथ दोस्तों टामा टोंगा ने रैंडी ऑर्टन और KO केविन ओवेंस को भाई हराया, जो दोस्तों काफी ज्यादा टामा टोंगा के लिए एक अच्छा मोमेंट था और काफी कुछ अचीव किया भाई टामा टोंगा ने। अगली पोस्ट की दोस्तों बात करें भाई यहाँ पे ब्राउन स्ट्रोमन, भाई ब्राउन स्ट्रोमन का रिटर्न देखने को मिला, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भाई इनका मतलब जो अगला फाइट होने वाली है वो होने वाली है भाई लॉगन पॉल से, तो लॉगन पॉल से क्या भाई इनकी जो अगला मैच है वो होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, अगर US चैंपियन के पीछे भाई इनका मैच होता है लॉगन पॉल से तो भाई मैं तो कहता हूँ लॉगन पॉल भाई तुम टाटा बाय बाय होने वाले हो अपनी चैंपियनशिप से। नेक्स्ट और फाइनल पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों रिया रेपरी का, मैं आपको बता रहा था कि इनका रिटर्न के बाद अब भाई ये जजमेंट डे में हमें देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि जजमेंट डे का न्यू मेंबर जुड़ गया। वैसे दोस्तों पहले बात करूँ मैं फिन बैलर की, क्योंकि भाई मैं इसलिए फिन बैलर की बात कर रहा हूँ, अगर जजमेंट डे यहाँ पे टूटते तो मैं डीमन फिन बैलर का एक और मैच यहाँ पे देखने वाला दोस्तों बहुत जल्दी, और मैं आप बता देता हूँ अगर ये मैच होगा तो भाई सबसे ज्यादा चांस है भाई यहाँ पे डायमंड प्रीस्ट के साथ, और डायमंड प्रीस्ट के साथ भाई लड़ेंगे हमारे फिन बैलर एज अ डीमन फिन बैलर, हो सकता है समर स्लैम के अंदर। लेकिन देखते हैं दोस्तों डायमंड प्रीस्ट भी हमारे काफी ज्यादा बेस्ट रेसलर है, लेकिन डीमन फिन बैलर से भाई यहाँ पे कहाँ जीत सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की दोस्तों बात करते हैं भाई यहाँ पे हमारी जो अगली पोस्ट आई है, तो भाई जो फिन बैलर और डायमंड प्रिंस के भाई जो रोल मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब काफी ज्यादा इनके रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं और भाई काफी बुरा हाल हो रहा है। खैर हमें लास्ट राउंड में देखने को मिला था कि भाई ये आपस में हग हुए थे और भाई ये सारे मतलब
खुश हुए थे, लेकिन बट ऐसा भाई बिल्कुल नहीं होने वाला। आगे जाके भाई जजमेंट डे टूटने वाली है और लिव मॉर्गन में इनके साथ होने वाली है कुछ टाइम तक। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना और सब्सक्राइब।